एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरे सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे सुबह सुबह हमने अपने नाश्ता कर रहे थे, तो इतनी गर्मी थी कि किचन भी नहीं खराब हो जा रहा था। लेकिन जैसे नाश्ता करके हम सब बाहर आए, तो इतना अच्छा मौसम कि बारिश बस आने ही वाली। उसके बाद यहाँ पे देखा तो यहाँ पे जो चिड़ियों का पानी है वो ख़त्म हुआ हुआ था, और फिर चिड़ियों का पानी डाला। इसको दिखाने का मकसद बस ये है कि बहुत स्वाब का काम है, आप भी अपने घर के पास या कहीं पे पानी ज़रूर रखा करें ताकि चिड़िया वगैरह जो है वो पी सके। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे बनाया फालसे का शरबत। मुझे फालसे का शरबत बहुत पसंद है। इसमें मैंने फालसा डाला, पानी डाला, काला नमक, चीनी और फुल ठंडा बर्फ़ वाला इसमें पानी डालना है, फिर ये ठीक बनता है और मज़े का भी बनता है। इसको ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करने के बाद अच्छे से इसको ना स्ट्रेन कर लिया। इतने को मज़े का बना था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जिसने पीना होना मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत ही मज़े का ये जो है ना शरबत बना था। उसके बाद यहाँ पे देखे बादल, वहाँ सामने से काले बादल आ रहे थे और इतनी कोई तेज़ बारिश हुई थी ना। उसके बाद यहाँ पे किचन में गई तो मामा पकोड़े और करी बना रहे थे। इतने को मज़े के पकोड़े थे ना, मुझे करी नहीं पसंद, मैंने सिर्फ पकोड़े खाए थे, बहुत मज़े के बने हुए थे। यहाँ पे ना पर करी लहदा से बनाई थी, पकौड़े लहदा से बना के ना इसके अंदर मिक्स कर लिया। उसके बाद इसका ये तड़का बनाया, पता नहीं कैसे बना था, मामा ने बनाया था और वो भी इसके अंदर डाल दिया। मैं सिर्फ वीडियो बना रही थी, मुझे सिर्फ वीडियो से मकसद था, मुझे ऐसे कुकिंग वगैरह कुछ खास आती नहीं। उसके बाद ना ये मेरी आपी की प्लेट है, मेरी नहीं है क्योंकि मुझे करी पसंद ही नहीं। और आप सब मुझे बताना आप में से किस चीज़ को करी पसंद है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह के अमेजिंग व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।